जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। मुकाबला काफी बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला होगा। जिस तरीके से हमारी भारतीय टीम 2 टेस्ट मुकाबले हार चुकी है, कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर के तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं। 2 बल्लेबाज और 2 गेंदबाजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 2 बेहतरीन विस्फोटक पुराने गेंदबाज और 2 बेहतरीन विस्फोटक नए बल्लेबाजों को टीम इंडिया में शामिल किया है। वो तूफानी विस्फोटक, 4 खूंखार विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाज कौन है, सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाएंगे। आखिरकार तीसरा टेस्ट मुकाबला कोच गौतम गंभीर को जो है हर एक हाल में जीतना है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को जीतना है 100%, क्योंकि 2 टेस्ट मुकाबले में लगातार हार मिली। यहाँ पर भारतीय टीम को और भारतीय फैंस ने काफी ज्यादा ट्रोल किया। यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल नहीं चला और भारतीय टीम को 2 टेस्ट मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 2 धुंधर विस्फोटक बल्लेबाज जिनके नाम से अच्छे गेंदबाज कांपते हैं, न्यूजीलैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, लेकिन वही 2 बल्लेबाज पूरी तरीके से अब न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप रहे तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले में कोच गौतम गंभीर ने कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, कौन कौन से दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे गेंदबाज, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा और इसमें मोहम्मद शमी, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें मयंक यादव जैसे गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट मुकाबला है और यहाँ पर टेस्ट मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब हार्दिक पांड्या होंगे तो भारतीय टीम की जीत निश्चित है, क्योंकि वे T20 के बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज हैं और टेस्ट मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, मयंक यादव और यहां पर मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।